Hi friends, welcome to my channel The Color Drops. Today I am going to show you before and after of the entrance area of my house. मेरे को काफ़ी टाइम से मेरा जो एंट्रेंस है उसका मेकओवर करना था. मेरे गेट में एंटर होते ही राइट साइड में शू रेक रखी हुई है जो कि काफ़ी पुरानी स्टाइल की थी विद आयरन रोड वाली, जिसको मैं काफ़ी टाइम से चेंज करना चाहती थी. एंड मुझे एक प्रॉपर स्पेस चाहिए था बिकॉज मेरे पास बहुत सारे फुटवेयर्स हैं, उनको रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. तो मेरे सारे जो फुटवेयर हैं इस छोटी सी रेक में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रही थी मैं. और डेली वेयर के फुटवेयर रखने के लिए यू नीड ए प्रॉपर स्पेस, तो आई डिसाइडेड टू गेट न्यू शू रेक. तो शू रेक परचेज करने के लिए मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर ट्राई किया लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया. फिर मैंने अपने घर के आसपास की ही शॉप पर ट्राई किया. मार्केट में आपको 3 डोर वाली, 2 डोर वाली शू रेक ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी. आई एम सो लकी कि मेरे को एक बहुत ही सुंदर और अच्छी सी शू रेक मिल गई जो बहुत ही ईजिली मेरे एंट्रेंस एरिया में फिट हो गई. इसमें 5 रेक हैं और इसकी जो हाइट है वो 3.5 फीट है. एक रेक में 5 पेयर फुटवेयर ईजिली आप रख सकते हैं. फर्स्ट यहाँ से मैंने अपनी पुरानी शू रेक को हटाकर जितना भी मेस था उसको क्लीन कर लिया. उसके बाद इस पूरे ही एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन करके पोछा वोछा लगा के एकदम साफ़ सुथरा कर लिया. देन मैंने यहाँ अपनी न्यू शू रेक रख दी. उसके बाद जितने भी मेरे पार्टी वेयर फुटवेयर हैं उनको मैंने इस शू रेक में अच्छे से अरेंज कर दिया. और जो मेरी पुरानी शू रेक थी उसको मैंने अपने एंट्रेंस के बाहर रख दिया और उसमें अपना जो डेली वेयर के जो मेरे फुटवेयर हैं उनको अरेंज कर दिया. अपनी शू रेक को इफ़ेक्टिव लुक देने के लिए मैंने यहाँ इस तरह की LED स्ट्रिप्स का यूज़ किया है जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. ये LED स्ट्रिप्स आपको 2 तरीके से मार्केट में मिलेंगी. एक आती है सिलिकॉन जो सेल्फ एडेसिव होती है जो इजीली आप चिपका सकते हैं, और ये जो मैंने ली है ये सेल्फ एडेसिव नहीं है, इसको आपको टेप की हेल्प से चिपकाना होगा. तो इसको मैंने टेप की हेल्प से शू रेक के बैक एरिया में इस तरह से लगा दिया है. तो मैं शू रेक के ऊपर वाले पार्ट को डेकोर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैंने ये कांच की एक शेल्फ रखी है जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी. इसकी जगह आप कोई मैट भी यूज़ कर सकते हैं. इसको रखने का एक रीज़न ये भी है कि मेरी शू रेक नई है और नई चीज़ों से हमको कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है. तो मुझे डर है कि कोई चीज़ मैं डायरेक्ट इसके सरफेस पे रखूँगी तो स्क्रैचेज आ जाएंगे. तो यही रीज़न है कि मैं कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं रख करके इस शेल्फ पर रखने वाली हूँ. देन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सैनिटाइज़र. मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि घर में कोई भी गेस्ट आए तो इसको ईजिली यूज़ कर पाए. उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेगरेंस. जब भी आप घर में एंटर करें तो अच्छी एंड सूदिंग फ्रेगरेंस आपको एक रिफ्रेशिंग सा फील देती है. तो हो सके तो प्लीज़ अपने घर की एंट्रेंस में एक फ्रेगरेंस ज़रूर ऐड करें. तो मैंने यहाँ एक वाइट प्लेट का यूज़ किया है, इसमें ये पोटपोरी रखी है. इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही माइल्ड एंड सूदिंग है. फिर मेरे पास ये एक सेरेमिक का टर्टल रखा हुआ था जिसका यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ. देन ये एक कप शेप का पोट है जो मैंने बहुत पहले लिया था, पर मेरी यहाँ की थीम से ये एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है. तो इसमें मैंने इस तरह से प्लांट लगाकर डेकोरेट किया है कुछ पेबल्स के साथ. उसके बाद ये एक सेंटेड कैंडल है जो मैंने होम सेंटर से परचेज़ की थी. ये भी मेरी थीम के अकॉर्डिंग परफेक्ट मैच है और कैंडल से मुझे बहुत ही प्यार है. उसके बाद ये एक वास्क मैं यहाँ रख रही हूँ, इसको भी मैंने होम सेंटर से ही परचेज़ किया था, और इसमें ये वाइट कलर की बहुत ही प्यारी सी फ्लावर की स्टिक रख रही हूँ. तो वाइट कलर जो है वो पीस का सिंबल माना जाता है, तो मुझे लगा कि गेट के एंट्रेंस पे वाइट कलर के फ्लावर रखना एकदम सही रहेगा. जब भी आप कभी बाहर से आएँ तो घर में एंटर करते ही इसको देखेंगे तो आपको एक माइंड में बहुत पीस फील होगा, ऐसा मुझे लगता है. उसके बाद मैंने यहाँ एक की होल्डर लगाया है जिसमें मास्क एंड की रखे हैं ताकि बाहर जाते टाइम मास्क आपको इजीली मिल जाए. कई बार होता है कि हम मास्क ढूंढते रहते हैं, तो सबसे बेस्ट एरिया है की होल्डर मास्क को अरेंज करने के लिए. फ्लोर पर मैंने ये एक मेरी थीम से मिलता जुलता डोरमेट रखा है. तो अब देखते हैं कि एंट्रेंस का एरिया कैसा लग रहा है. वाओ, लुक सो ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन. और ये शू रेक के सरफेस को डेकोर करने से एंट्रेंस का लुक बहुत ज़्यादा एलिगेंट आ रहा है. चलिए तो अब लाइट ऑन करके देखते हैं. वाओ, लुक सो अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है. लाइट ने इस एंट्रेंस
को ना एक बहुत अच्छा लुक और बहुत ही सुंदर बना दिया है। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके अपने एंट्रेंस को सुंदर बना सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको यूज़फुल और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। स्टे सेफ।